हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग आज आप सभी के लिए लेके आया हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस वीडियो में लगभग मैंने 10 से 11 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्टुअल हैं कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करने में हेल्प करेंगे इसके अलावा मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा जो पॉइंट आपको नोट करने हैं एंड आपको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना है अगर आपने एस्टिमेशन पे बाकी सारे पार्ट देखे हैं और ये पार्ट मिला के टोटल पाँच पार्ट हो गया है अगर आप सारा पार्ट देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम ऐसा रहेगा जिसमें आप क्वेश्चन छोड़ पाएंगे तो आप पूरा पार्ट जरूर देखेगा और कोई भी एग्जाम से पहले इस अपने पार्ट को रिवाइज़ ज़रूर करिएगा इस पार्ट में खास करके आपको न्यूमेरिकल्स कुछ मैं बताऊंगा जो कि आपको ध्यान से नोट करने हैं एंड उसका रिवीजन करना है तो आइए चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन पर्पज ऑफ वैल्यूएशन पूछ रहा है देखिए ये एस्टिमेशन का लेक्चर है एस्टिमेशन का सबसे पहले पर्पज समझिए कि एस्टिमेशन का पर्पज़ क्या है वॉट इज द पर्पज ऑफ एस्टिमेशन सो एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोबेबल कॉस्ट बिफोर द कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही हम लोग अगर प्रोबेबल कॉस्ट पे पहुंचा जाता है कि अगर किसकी लागत कितनी होगी कोई प्रोजेक्ट है कोई कंस्ट्रक्शन है उसका लागत कितना होगा उसमें कॉस्ट कितना लगेगा उसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन वैल्यूएशन क्या होता है वैल्यूएशन हम लोग करते हैं कि किसी भी टाइम पे कोई प्रॉपर्टी का प्रोबेबल कॉस्ट कितना है जिसे बिल्डिंग बन गई उस बिल्डिंग का 10 साल के बाद कितना है कॉस्ट पंद्रह साल के बाद कितना कॉस्ट है ताकि अगर उसको जब बेचने जाए तो उसको पता चले सो वी कैन डिफाइन एज प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इज द प्रोसेस विच डिटरमाइन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द रियल एस्टेट रियल एस्टेट हो गया फिर किसी भी यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है सो तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बारे में बात की गई है बाकी आप वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो कोई भी मशीन हो सकता है कोई मशीन का कितना वैल्यू होगा किसी भी टाइम पे तो उसको निकालने के लिए हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन अब इसका वन ऑफ द मेन पर्पज़ क्या होता है वैल्यूएशन का मेन पर्पज़ होता है इसका टैक्सेशन ठीक है कोई भी इनकम अगर आप कर रहे हैं उसमें सरकार को कुछ प्रॉफिट जा रहा है दैट इज कॉल्ड अ लीगल इनकम ठीक है तो टैक्सेशन मतलब वैल्यूएशन करने का मेन जो हमारा पर्पस क्या है टैक्सेशन एक बार वैल्यू पता चलेगी कि हाँ इस चीज़ की इतनी वैल्यू है तो उसी के बेसिस पे उसका परसेंटेज जो हम लोग टैक्स जो भी डिसाइडेड है वो टैक्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है सेकेंड क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग पर्सन फंक्शन एज अ आर्बिट्रेटर इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है जहाँ पे सारा काम वगैरह होता है तो कौन सा इसमें से जो पर्सन है चीफ इंजीनियर जूनियर इंजीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सुपरवाइजर विच फंक्शन एज एन आर्बिट्रेटर इन पब्लिक वर्क आर्बिट्रेटर को हम लोग यहाँ बोल सकते हैं एक तरह से बिचौलिया जो एक तरह से मेडिएटर है जो बीच में जो एक तरह से संवाद स्थापित करने के काम करता है किसके बीच में क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो हमारा क्लाइंट है कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो काम हमारा करता है आर्बिट्रेटर के रूप में वो होता है हमारा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बोनस क्वेश्चन है आप सभी के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का वो होता है चीफ इंजीनियर चीफ इंजीनियर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीफ इंजीनियर चीफ इंजीनियर ही ऐसा आदमी हो जो होता है जिसके पास फुल पावर होता है इसके पास होता है फुल पावर कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है उसका सबसे बड़ा जो हेड होता है वो चीफ इंजीनियर होता है वही हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उस पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का जो कि डायरेक्टली होता है गवर्नमेंट को अगर कोई सरकार है जैसे राज्य सरकार का काम चल रहा है कोई ब्रिज बन रहा है तो कौन जवाब देगा कुछ किससे पूछेगा चीफ इंजीनियर मेन रिस्पॉसिबिल होता है ठीक है इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जैसे सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर भी हमारा एक मेन आदमी होता है जो कि बताया मैंने कि मेडिटर के रूप में आर्बिट्रेटर के रूप में काम करता है और इसके पास एक पावर होता है जैसे पंद्रह लाख अप टू फिफ्टीन लैक्स रुपीज तक का जो भी प्रोजेक्ट है उसको सैंक्शन करने का पावर हमारा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास होता है एक्सक्यूटिव इंजीनियर एक और इंजीनियर होता है हमारे जिसको बोलते हैं एक्सक्यूटिव इंजीनियर ठीक है तो इसके पास अप टू फाइव लाख अप टू फाइव लाख तक का प्रोजेक्ट सैंक्शन करने का पावर होता है जूनियर इंजीनियर हमारा जो सबसे टेक्निकल ऑफिसर जो सबसे लोवेस्ट पोस्ट का है जो कि हमारा जूनियर इंजीनियर होता है इसके पास इस तरह का सैंक्शन करने का कोई पावर नहीं होता है जो भी हमारे बुक्स होते हैं अटेंडेंस बुक होता है उसको भरने का काम जूनियर इंजीनियर करता है तो एक अपना अपना रोल है इस तरह से आप जो भी जॉब के लिए फोकस कर रहे हो अगर एस जैसे हैं तो एस में जब जॉब करोगे जब आपका मतलब क्वालिफाई हो जाएगा तो आप क्या बनोगे एक जेई बनोगे तो जूनियर इंजीनियर का पावर क्या होता है आप वो सर्च कर सकते हो कि जूनियर इंजीनियर किस तरह से काम करता है उसका क्या काम होगा उसका लिमिटेशन क्या है उसके पावर क्या है इसी तरह से चीफ इंजीनियर जो भी हमारे इस तरह से चीफ इंजीनियर हमारे जो गैजेटेड पोस्ट आ जाता है हमारे यू से जो भी लोग निकलते हैं वो हमारे चीफ इंजीनियर तक जाके प्रमोट होते हैं हालांकि उसमें जो शुरुआत में बनते हैं वो भी हमारा असिस्टेंट इंजीनियर ही बनता है पहले असिस्टेंट इंजीनियर बनता है उसके बाद हमारा प्रमोट हो होकर बाद में जब बन सकता है अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ बेंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ माइल्ड स्टील पर मैसन पर डे जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एक मैसन एक दिन में कितना बेंडिंग एंड बाइंडिंग कर पाएगा के में बताना है तो इस चीज को भाई मैंने बहुत अच्छे से अपने चौथे पार्ट में बताया हुआ है अगर आपने वो चौथा पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज देखें वैसे आपको बहुत कॉमन क्वेश्चन है बिल्कुल पता होना चाहिए अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला आप जाके इस पार्ट को देखिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पार्ट फोर को जरूर देखिए उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने बहुत डिटेल में बताए हैं चौथा क्वेश्चन है द नॉलेज ऑफ विच आइटम इज नेसेसरी फॉर द एनालिसिस ऑफ रेट नॉलेज ऑफ विच आइटम इज नेसेसरी फॉर एनालिसिस ऑफ रेट किसी भी प्रॉपर्टी का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो कौन कौन चीज की आपको जरूरत पड़ेगी किस किस चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए देखिए रेट एनालिसिस एक हमारा जो रेट इंजीनियर मतलब कि रेट निकालता है जो उस चीज़ के लिए आपको देखिए कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना ले रहा है टूल्स एंड प्लांट में कितना एक्सपेंडिचर हुआ टास्क ऑफ ए लेबर इन वन डे देखिए यही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है एस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड आउटकर्न ऑफ ए वर्क कितना करेगा एक दिन में प्लास्टर कितना करेगा एक दिन में एक मजदूर कितना दीवार जोड़ेगा कितना कॉन्क्रीटिंग कर सकता है कितना बेंडिंग एंड बाइंडिंग कर सकता है तभी तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे ना मतलब कि अपने जो भी वर्कर हैं जितना काम उनको करना है उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और उसका कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे सो एनासिसिस फ्रिएट करने के लिए आपको इन तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट ऑल ऑप्शन आर करेक्ट बहुत okay, numerical. Numerical ही अच्छा क्वेश्चन था ओके नाउ लेट्स सी अमेरिकल न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपको इसमें फॉर्मूला जो यूज होगा आपको नोट करना है मैं बताता हूँ आपको एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इंस्टॉल्ड इन अ बिल्डिंग एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इंस्टॉल्ड इन अ बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड कैलकुलेट द एनुअल सिंकिंग फंड रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड टू एक्यूमुलेट द होल अमाउंट ऑफ फाइव परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट एज्यूम द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर एज टेन ईयर सबसे पहले देखिए इसमें निकालना क्या है इसमें निकालना है कैलकुलेट द एनुअल सिंकिंग फंड एनुअल सिंकिंग फंड और एनुअल सिंकिंग फंड का दोस्तों एक ही फॉर्मूला होता है आई इसल टू एस आई बाई वन प्लस आई के पावर एन माइनस वन सो ये फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट है एस्टिमेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा सिविल के अंदर जो यूज होता है इससे हम लोग निकालते हैं एनुअल सिंकिंग फंड एनुअल सिंकिंग फंड क्या होता है कि जो हम लोग कोई भी जैसे जनरेटर है मशीन है या फिर बिल्डिंग है उसका लाइफ खत्म होने के बाद उसको फिर से बनाने का जितना हम लोग कॉस्ट निकालते हैं जो कॉस्ट होता है टोटल उसको हम लोग कितना जमा करना पड़ता है हर साल जो हम लोग जमा करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एनुअल सिंकिंग फंड तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो दिया हुआ है जो एस है हमारा टोटल कॉस्ट दिया हुआ है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ और आई जो है इंटरेस्ट दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा फाइव परसेंट का फाइव परसेंट यानी कि इसको हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइव परसेंट मतलब फाइव बाई हंड्रेड तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव हो गया उसके बाद एन आपको पता है कि कितना दिया हुआ है जो लाइफ ऑफ हमारा जनरेटर दिया हुआ है दस साल यानी दस साल चलेगा उसके बाद हमको एक नया जनरेटर लेना पड़ेगा उसी के लिए हम लोग इसको सिंकिंग फंड जुटा रहे हैं सिंपली कुछ नहीं करना है आपको सीधा फॉर्मूला में पुट करना है मैंने सब डाटा बता दिया आपको तो आई इस टू हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड इन टू आई यानी कि जीरो पॉइंट जीरो फाइव बटा में वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव एन हमारा लाइफ है वो दिया हुआ दस और माइनस वन इसको आप कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा थ्री नाइन सेवन फाइव रुपीज वनली सो so, आई हमारा यहाँ से आ गया थ्री नाइन सेवन फाइव रुपीज वनली तो आंसर हो जाएगा थर्ड थ्री नाइन सेवन फाइव so, सो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है एनुअल सिंगिंग फोन का आई इस कल टू एस आई वन प्लस आई टू पावर एन माइनस वन तो मैंने कुछ नहीं करना था इसमें एस बता दिया आई पता है सब कुछ पता है आपको सीधे फॉर्मूला में रखना है आपको निकल जाएगा एस एस सी का प्रीवियस क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द सिंकिंग फंड इज टू अकूमुलेट द सफिशियंट मनी टू देखिए ये क्वेश्चन भी एसएससी का था और साथ में पुराना जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको बिल्कुल उसी के साथ लिंक है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द सिंकिंग फंड आखिर हम लोग सिंकिंग फंड क्रिएट क्यों करते हैं द ऑब्जेक्टिव क्या है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सो सिंकिंग फंड हम लोग क्रिएट करते हैं टू मीट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ जो हमारे जैसे सपोज करिए बिल्डिंग है उसका एक लाइफ होगा चालीस साल पचास साल हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक लाइफ होता है उसको खत्म होने के बाद हमको उसको वापस बनाना पड़ेगा वहां पर तो उसके लिए हम लोग फंड इकट्ठा करते हैं सो सिंकिंग फंड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है टू मीट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉइंटिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉइंटिंग फिर से क्वेश्चन बताता हूं जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है हर एक चीज का कोई भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका यूनिट किस में होगा आपको ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पता होना चाहिए कॉर्निंग का कितना होता है पॉइंटिंग वर्क कितना होता है जैफरीज कितना होता है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने अपने सारे वीडियो में बताया हुआ है इसको आज एक पॉइंटिंग के बाद बताता हूँ कि पॉइंटिंग होता क्या है बहुत लोगों को पॉइंटिंग पता नहीं होता है देखिए एक दीवार है इस तरह से दीवार होता है और इसमें हमारे जो ये गैप बन जाते हैं गैप जो रह जाते हैं उसको क्या करते हैं कि एक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मोटार सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मोटार के साथ फिल करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग वर्क चुकी अभी एक कोई दीवार है उसका एरिया वाइज होगा तो कितने एरिया में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एरिया हमको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया तो जो पॉइंटिंग का मेजरमेंट हम लोग करते हैं स्क्वायर मीटर में यानी कि मीटर स्क्वायर में तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर मीटर क्वेश्चन नंबर एट वट इज द नॉमिनल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं नहीं बताने वाला अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं बताऊं तो सही नहीं लगेगा आप जरूर कमेंट में करिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन देखने में सिंपल है लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए बहुत सारा टर्म होता है स्टैंडर्ड भी कभी पूछता है कभी नॉर्मल साइज पूछता है कभी ट्रेडिशनल साइज पूछता है तो ये इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप इसका आंसर बताइए कि क्या होगा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होने वाले हैं लेकिन आप इसको आंसर बताइए तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन नंबर नाइन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड इन क्यूबिक मीटर इन ट्वेंटी क्यूबिक मीटर्स ऑफ रिनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट ओके okay, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आपको अच्छे से समझना है ध्यान से देखिएगा टोटल जो यहाँ पे कंक्रीट दिया हुआ है टोटल जो आरसीसी वर्क दिया हुआ है टोटल आरसीसी वर्क इज टू ट्वेंटी मीटर क्यूब पहले बात तो ये हो गई और हमारा जो ग्रेड दिया हुआ है वन इज टू टू इज टू फोर ये हमारा रेशियो है ये तो पता ही होगा आपको कि ये सीमेंट होता है ये सैंड होता है और ये होता है कोर्स एग्रीगेट अब क्या करना है कि इसमें सैंड निकालना है ये जो सैंड है सैंड निकालना है तो मैं इसमें आपको तीनों चीज बता देता हूँ कि इसमें निकालते कैसे सीमेंट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सैंड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कोर्स एग्रीगेट निकालना तो कैसे निकालेंगे बहुत ही आसान है आज के बाद आप ध्यान से समझ लीजिए कभी नहीं भूलेंगे सीमेंट अगर निकालना है सबसे पहले देखिए आरसीसी वर्क है इसमें 20 मीटर क्यूब हमारा कंक्रीट लगा हुआ है तो सबसे पहले आपको ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ता है ड्राई वॉल्यूम ऑफ आरसीसी ड्राई वॉल्यूम ऑफ जो हमारा यूज करेंगे जो मिक्सचर यूज करेंगे उसका हम लोग कितना होगा तो सिंपली जो दिया हुआ रहता है उसमें एक फैक्टर वन पॉइंट फाइव फोर से गुना कर दीजिए अब ये गुना कर क्यों रहे हैं क्योंकि हमारा जो ड्राई वॉल्यूम रहता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है जैसे उसमें पानी मिक्स करते हैं सारे वाइट्स फिल हो जाता है और इसका वॉल्यूम हमारा कम हो जाता है तो हमारा जो आर में लगेगा हमारा ये वॉल्यूम लगेगा ठीक है लेकिन उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को ड्राई वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ता है तो ड्राई वॉल्यूम निकाला तो ड्राई वॉल्यूम के लिए आर में वन से गुना करते हैं और यहीं पर अगर हमारा रहता सीमेंट मोटर सीमेंट मोटर जो हमारा ब्रिक मैशनरी में यूज करते हैं तो वहां पर वन से गुना करेंगे कुछ नहीं करना है उस वाले क्वेश्चन में तो 1.25 से गुना करना है इस वाले क्वेश्चन में आर की जब बात करेंगे तो 1.54 से गुना करना है मल्टीप्लिकेशन करना है तो कर दीजिए 20 इंटू वन करेंगे तो कितना आ जाएगा 30.8 मीटर क्यूब तो ये हमारा आ जाएगा ड्राई वॉल्यूम अब आपको आपको अगर सीमेंट निकालना है तो देखिए 30.8 हमारा ये टोटल वॉल्यूम आ गया इसमें इन तीनों को जोड़ दीजिए चार और दो छः और एक सात इससे गुना सात से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका सीमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा कि कैसे देखिए इतना गुना किया और वन से लगभग बीस को गुना करते हैं तो हमारा ये आ जाता है इतना तो ये हो जाएगा लगभग फोर मीटर क्यूब ये हो गया हमारा सीमेंट देखिए और थर्टी पॉइंट एट बाई सेवन अगर इंटू टू कर दें हम यहाँ पे तो ये हो गया 8.8 मीटर क्यूब ये हो गया हमारा सैंड यहाँ वन से गुना करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता जनरली आप 30.7 पॉइंट सेवन बाई एट से करेंगे आपको क्योंकि हमेशा जो रेशियो प्रोपोर्शन लिखा रहता है उसमें सीमेंट को एक करूँ ही दिखाया रहता है सीमेंट हमेशा एक ही लेते हैं इसलिए आप सीधा रेशियो को जोड़ के साथ से डिवाइड करिए आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अगर सैंड निकालना है तो जो आया इसमें भी अगर आप दो सगुना कर दें फोर पॉइंट फोर इंटू टू कर दें आप तो हमारा डायरेक्ट सैंड निकल जाएगा और इसमें अगर कोर्स एग्रीगेट निकालना है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है फोर पॉइंट फोर इंटू फोर अगर कर देंगे आप तो आपका डायरेक्टली कोर्स एग्रीगेट भी निकल जाएगा ठीक है तो हमारा सीमेंट हो गया 4.4 मीटर क्यूब सैंड हो गया 8.8 मीटर क्यूब जो कि हमारे पूछ रहा था कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड इन क्यूबिक मीटर इन 20 क्यूबिक मीटर्स ऑफ इन सीमेंट कंक्रीट तो यहां पे आंसर हो गया 8.8 मीटर क्यूब अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि फाइंड द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट नंबर ऑफ सीमेंट बैग इस केस में मैं बता देता हूं इस केस में भी मैं बता देता हूं आपको कि क्या करना है देखिए ये आपका सीमेंट का वॉल्यूम आ गया 4.4 मीटर क्यूब अगर आप देखिए डेंसिटी इज कल टू मास पॉइंट वॉल्यूम एक फॉर्मूला ये है ये आपको याद रखना है इसके बाद सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम आपको पता होता है सीमेंट का एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ न बैग ऑफ सीमेंट इसकल टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर सेवन मीटर क्यूब ये तो आपको एकदम पता होगा याद हो गया होगा रट गया होगा आप लोग तो. तो इस तरह से अगर आपको नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं नंबर ऑफ़ बैग्स निकालने हैं तो जो टोटल वॉल्यूम है जैसे टोटल वॉल्यूम कितना है फोर पॉइंट फोर मीटर क्यूब और सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम कितना है जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर सेवन ठीक है मीटर क्यूब आपको इसको डिवाइड कर देना है तो आपका आ जाएगा आप डिवाइड कर दीजिए अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा 127 हमारा का इसमें लगेगा। तो इस तरह से सीमेंट बैग भी निकाल सकते हैं कोई भी चीज आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग इन एस्टिमेशन ऑफ मैशनरी वर्क अप टू देखिए नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग इन एस्टिमेशन ऑफ मैशनरी वर्क टू इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा देखिए फॉर प्लास्टरिंग फॉर प्लास्टरिंग फॉर वाइट वॉशिंग देखिए डिडक्शन होता क्या है इसको समझिए जैसे हमारा ये वॉल है और यहाँ पे हमारा विंडो है तो ये ये जो विंडो है ये तो हमारा ओपन हो गया अगर हम लोग प्लास्टर करते हैं तो हमारा इस फेस पे इतना जगह पे प्लास्टर तो नहीं करना पड़ेगा तो जब हम लोग टोटल प्लास्टर का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको माइनस करना पड़ेगा अगर ये बहुत छोटा हुआ एरिया में तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको माइनस नहीं करते हैं ठीक है नहीं करते हैं माइनस अगर एक साइज से बड़ा होता है और वही पूछ रहा है कि कितना साइज से बड़ा है तो हम लोग माइनस करेंगे नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन अगर सेम चीज़ यही है अगर हम लोग वाइट वॉशिंग भी करते हैं इस पर प्लास्टर करते हैं या वाइट वॉशिंग करते हैं या फिर जो भी या पेंटिंग करते हैं तो इतना एरिया को माइनस करना पड़ेगा तो जनरली फॉर प्लास्टरिंग वर्क फॉर प्लास्टरिंग वर्क प्लास्टरिंग के लिए वाइट वॉशिंग के लिए और कलर वॉशिंग के लिए जो भी हम लोग लेते हैं अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से एरिया बड़ा है 0.5 मीटर स्क्वायर से एरिया बड़ा है तभी हम लोग डिडक्शन करेंगे इससे अगर छोटा है एरिया तब हम लोग डिडक्शन नहीं करते हैं ठीक है ये आपको याद रखना है कि नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग एन एस्टिमेशन ऑफ मैशनरी वर्क अप टू जो भी है यहां पे मैशनरी वर्क के लिए है तो मैशनरी वर्क का हमारा अलग हो जाता है लेकिन मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक व्हाइट वाशिंग कलर वॉशिंग के लिए जीरो पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर से एरिया अगर छोटा है तो हम लोग डिडक्शन नहीं करते हैं लेकिन मैशनरी वर्क में जो हमारा आंसर हो जाता है वो हो जाता है एक हजार स्क्वायर सेंटीमीटर अच्छा एक चीज मैं बताता हूं आपको अगर इसको जीरो पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में तो जीरो पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर है तो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से और है तो स्क्वायर कर देंगे टू पावर तो हो गया तो ये आ जाएगा आपका फाइव थाउजेंड सेंटीमीटर फाइव थाउजेंडी सेंटीमीटर स्क्वायर तो प्लास्टरिंग व्हाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग के लिए अगर फाइव थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर से एरिया बड़ा है तब हम लोग डिडक्शन करेंगे छोटा है तो डिडक्शन नहीं करेंगे लेकिन मैशनरी वर्क के लिए जो एस एस सी एक क्वेश्चन जो है एस एस सी का है मैं बता देता हूँ इसमें डाउट थोड़ा सा मुझे भी है अगर आपको कोई ज्यादा क्लियर डाटा आपके पास है कोई कोडल डाटा तो आप मुझे जरूर शेयर कर नीचे कमेंट में साथ हालांकि इसका आंसर जो है एस ने प्रोवाइड किया था एक स्क्वायर सेंटीमीटर एंड देखा भी जाए तो हमारा आंसर आ रहा है फाइव थाउजेंड जो कि सबसे बड़ा है तो इसमें सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो है एक हजार ही तो आंसर इसका हो जाएगा एक हजार स्क्वायर सेंटीमीटर लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज वीडियो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इसको आपको नोट करना है पहले खुद से बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं पूछ रहा है कि हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर फोर्टीन क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट ओके ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया है प्रोसीजर आप एक बार ट्राई करें इसको और फिर मैं बताता हूँ कि सिंपल कुछ नहीं करना है यहाँ पर नंबर ऑफ बैग्स पूछ रहा है फोर्टीन क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट में तो यहाँ पे आर का जो टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है वो है दिया हुआ है फोर्टीन मीटर क्यूब तो पहला स्टेप क्या है मैंने बताया आपको सबसे पहले तो आपको ड्राई वॉल्यूम निकालना है तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए फोर्टीन में गुना करना पड़ेगा वन पॉइंट फाइव फोर से वन पॉइंट फाइव फोर से तो ये आ जाएगा ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव सिक्स मीटर क्यूब अब एक बार हमको अगर पता चल गया यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम तो अगर सीमेंट निकालना है सीमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव सिक्स में टोटल जोड़ दीजिए चार और दो तो छः एक सात तो सात तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सीमेंट का अगर सैंड का निकालना है तो 21.56 वन पॉइंट अपॉन सेवन इंटू टू कर देंगे तो हमारा सीमेंट का आ जाएगा या फिर जो ये फैक्टर आया इसी में अगर हम लोग दो से गुना कर दें सीमेंट वाले को तो ये आ जाएगा चलिए करिए 21.56 में सेवन से अगर डिवाइड करते हैं आप तो आंसर आ जाएगा 3.08 मीटर क्यूब और इसको फिर दो से गुना करते हैं तो 3.08 पॉइंट जीरो तो ये निकल आ जाता है 6.16 मीटर क्यूब और फोर से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा कोर्स एग्रीगेट लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि कितना मीटर क्यूब में चाहिए हमको चाहिए क्वेश्चन आंसर नंबर ऑफ बैग्स में सीमेंट बैग्स में चाहिए ठीक है तो सीमेंट का नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए जो टोटल वॉल्यूम आया है सीमेंट का 3.08 मीटर क्यूब उसमें वन बैग का वॉल्यूम होता है 0.0347 मीटर क्यूब से अगर डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा नंबर ऑफ बैग्स में आ जाएगा जो आ कि आ जाएगा लगभग एटी बैग्स तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इज इजकल टू एटी बैग्स तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एटी बैग्स इसमें अगर देखिए अगर एक चीज मैं आप बताता बताऊँ कि जैसे वन मीटर क्यूब अगर कोई जगह है कोई वन मीटर क्यूब एक जगह है उसमें टोटल हम लोग अट्ठाईस बैग स्टोर कर सकते हैं अट्ठाईस बैग स्टोर कर सकते हैं ये आपको डाटा एक है ये आप याद रख सकते हैं कोई सीमेंट साइलोज वगैरह है जहाँ पे एक मीटर क्यूब का स्पेस है उसमें कितने नंबर ऑफ बैग्स आप स्टैक कर सकते हैं तो, तो लगभग अट्ठाईस बैग स्टैक कर सकते हैं ये निकाला कैसे मैंने सिंपली कुछ नहीं किया सीधा वन को डिवाइड कर दिया है जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर सेवन जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर सेवन सो यहाँ पे ये वन मीटर क्यूब में अगर टोटल हमसे डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे अट्ठाइस आ जाएगा सो वन मीटर क्यूब अठाईस लगे स्टोर कर सकते हैं इस तरह से कोई भी आप चीज़ का क्वांटिटी का निकाल सकते हैं सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा इसमें मुझे क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो समझ में आया होगा कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिए और अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी जरूर कमेंट करिए वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जो सिविल से रिलेटेड ग्रुप है उसमें व्हाट्सएप में शेयर कर जरूर करें और इस वीडियो में लाइक like का जो टारगेट है वो है एक हज़ार लाइक का सिर्फ मैं आपसे एक हज़ार लाइक की डिमांड करता हूं, सो एक हज़ार लाइक हेल्प करने में मदद करें जैसे ही ये होगा मैं आपको एक नया सरप्राइज दूंगा एक जब टारगेट पूरा होगा तो और इसके अलावा जो एस्टिमेशन का जो टोटल प्ले बना हुआ है आप प्ले सेक्शन में जाएँ वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का प्ले बना हुआ है एस्टिमेशन के वीडियो को जब भी देखें तो पूरा देखें पांचों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा सा एक ओवरऑल नॉलेज मिल जाएगा सो so, यही कहना है आपसे मेहनत करते रहें ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल लर्न ऑल द बेस्ट